भारत के सबसे विवादित क्रिकेटर रहे इस श्री संत ने संन्यास का ऐलान कर दिया है। 39 साल के श्री संत आखिरी बार साल 2011 में टीम इंडिया के लिए खेलते नजर आए थे। श्री संत ने हाल ही में रणजी ट्रॉफी में हिस्सा लिया था। इससे पहले आईपीएल ऑक्शन में भी उन्होंने अपना नाम दिया था, मगर उनके नाम पर किसी ने दिलचस्पी नहीं दिखाई। कहा जा रहा है कि इससे निराश होकर श्री संत ने रिटायर होने की घोषणा की है। एस श्री संत की रफ्तार और आक्रामक तेवर ही उनकी पहचान थी। श्री संत ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से ट्वीट किया, मेरे परिवार साथियों एवं देश के लोगों का प्रतिनिधित्व करना मेरे लिए सम्मान की बात है। बहुत दुख के साथ लेकिन अफसोस के बिना मैं यह भारी मन से कहता हूँ, मैं भारतीय घरेलू क्रिकेट से संन्यास ले रहा हूँ। श्री संत ने भारत के लिए 27 टेस्ट, 53 वनडे और 10 टी20 मैच खेले। 27 टेस्ट में श्री संत ने 87 विकेट हासिल किए, वहीं 53 वनडे में उनके नाम 75 विकेट है। टी20 के 10 मैच में उन्होंने 7 विकेट हासिल किया। इसके अलावा श्री संत ने कुल 44 आईपीएल मैच खेले जिसमें उन्हें 40 विकेट मिले। श्री संत 2007 में टी20 विश्व कप विजेता टीम का हिस्सा थे। फाइनल मैच में उन्होंने मिसबाउल हक का कैच पकड़ा था जिसकी वजह से टीम इंडिया विजेता बनी थी। इसके अलावा श्री संत साल 2011 विश्व कप विजेता टीम का भी हिस्सा रहे थे। श्री संत ने टेस्ट क्रिकेट में साल 2006 में इंग्लैंड के खिलाफ डेब्यू किया था। उन्होंने अपना आखिरी टेस्ट मैच भी इंग्लैंड के खिलाफ ही साल 2011 में खेला। वनडे में श्री संत ने अपना पहला मैच श्रीलंका के खिलाफ साल 2005 में खेला था। विश्व कप 2011 में श्रीलंका के खिलाफ ही उन्होंने अपना आखिरी वनडे मैच भी खेला था। श्री संत के टी20 करियर की बात करें तो श्री संत ने साल 2006 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टी20 क्रिकेट में डेब्यू किया था। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ साल 2008 में उन्होंने अपना आखिरी टी20 मैच खेला। आईपीएल में उन्होंने पंजाब किंग्स, कोच्चि और राजस्थान रॉयल्स का प्रतिनिधित्व किया। साल 2013 में राजस्थान के लिए खेलने के दौरान ही उन पर स्पॉट फिक्सिंग का गंभीर आरोप लगा था। 39 साल के श्री संत का करियर विवादों से भरा रहा। साल 2018 में हुए आईपीएल के पहले संस्करण में श्री संत पहली बार विवाद में आए थे। किंग्स इलेवन पंजाब का हिस्सा रहे श्री संत ने मैच हारने के बाद मुंबई के खिलाड़ी हरभजन सिंह को उकसा दिया था, जिसके बाद हरभजन ने उन्हें थप्पड़ जड़ दिया था। वीडियो फुटेज में मैदान पर श्री संत को रोते हुए दिखाया जाता है, जिसके बाद बीसीसीआई ने मामले को संज्ञान में लेते हुए हरभजन को उस साल लीग में नहीं खेलने दिया था। श्री संत से जुड़ा दूसरा विवाद साल 2013 में सामने आया, जब आईपीएल में स्पॉट फिक्सिंग मामले में उन्हें दोषी पाया गया। जांच के बाद बीसीसीआई ने श्री संत पर आजीवन प्रतिबंध लगा दिया था। हालांकि 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने लंबी कानूनी लड़ाई के बाद उनके प्रतिबंध को घटाकर 7 साल कर दिया। साल 2020 में श्री संत ने फिर से क्रिकेट मैदान पर वापसी की, मगर टीम इंडिया में उनकी वापसी नहीं हो पाई। साल 2020-21 के सीजन में उन्होंने केरल की तरफ से सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी और विजय हजारे ट्रॉफी में हिस्सा लिया। श्री संत ने हाल ही में 9 साल के लंबे इंतजार के बाद फर्स्ट क्लास क्रिकेट में अपना पहला विकेट लिया था। विकेट लेने के बाद श्री संत जमीन पर लेट गए थे। श्री संत का यह वीडियो काफ़ी वायरल हुआ था। इसके अलावा एस श्री संत का ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी एंड्रू साइमंड्स और मैथ्यू हेडन के साथ क्रिकेट के मैदान पर कई बार नोकझोंक हुई। एंड्रू साइमंड्स को आउट करने के बाद श्री संत उन्हें अक्सर चिढ़ा दिया करते थे। खेल जगत और अन्य लेटेस्ट खबरों को सबसे पहले जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमसे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं।